आज यौम शोहदाए पुलिस और यौम शोहदाए पुलिस की याद में हम बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अफसरों ने, जवानों ने इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वो कुर्बानियाँ जिनकी वजह से अवाम में एक एहसास तहफ़ पैदा हुआ है। उन्होंने अपने खून की, अपनी जान की परवाह किए बगैर जो जिम्मेदारी थी उसको कमा हक को पूरा भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जंग में, जो कि कुर्बानियों की जंग थी, जो कि अपने मुल्क के लोगों के तहफ़ की जंग थी, उसमें हर तरीके से कोशिश की है कि अपने खून को बहा के, अपनी जान की कुर्बानी दे के इस मुल्क के अवाम के लिए एक ऐसा माहौल फराहम कर सकें जहां वो अपने चॉइस की, अपनी मर्ज़ी की आज़ादा ज़िंदगी गुजार सकें। इस जंग में 1700 से ज़्यादा अफसरान और जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मेरा तमाम शहीदों को सलाम, मेरा तमाम शहीदों के ख़ानदानों को सलाम। इन ख़ानदानों ने अपने प्यारों की कुर्बानी दे के साबित किया कि वो इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं और इसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे। हम अपने शहदा के बच्चों की देखभाल, उनकी तालीम, उनकी सेहत और उनके जो दीगर मसाइल हैं, उन तमाम का ख्याल इंशाल्लाह करती रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इस यौम शहदा को हमें शायन शान तरीके से मनाना चाहिए और कौम को इन तमाम शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं करना चाहिए और इनकी याद हर साल और हर लहजा अपने दिल में रखनी चाहिए।